अक्षरा और सिद्धि भी आ चुके हैं। क्या टाइमिंग पर लेट हो रहा है। लेट मी शो यू गाइस माय आउटफिट। दिस इज माय आउटफिट फॉर टुडे एंड दिस इज हर्स। मुझे अभी इसके बाद शॉपिंग कर। बाय। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाई गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं आईकिया शॉपिंग करने क्योंकि यहाँ पर सेल लगा है। हाई गाइस, लेट मी शो यू गाइस माय आउटफिट। दिस इज माय आउटफिट फॉर टुडे एंड दिस इज हर्स। मेरी बहन मुझे अभी इसके बाद शॉपिंग करके फटफट फटफट इधर से हम लोगों को जाना है शिफ्ट पे। अभी अक्षरा भी आ रही है और सिद्धि भी आ रही है, इंद्राइन भी है एंड त्रिषा भी है। तो हम शॉपिंग करके जाने वाले हैं टडन नवी मुंबई। मतलब जब मेरा ट्रेनिंग था तब मैं अभी आई थी, तो अभी ऑलमोस्ट 3 साल के बाद मैं आ रही हूँ। उसके बाद मैं ट्रेनिंग के बाद आई हूँ यहाँ पे। तो अभी इसके बाद हम लोगों को हमारे वाले आईकिया में जाना है टू वर्क। 2 बजे का हमारा शिफ्ट है, बट उसके पहले हम शॉपिंग करेंगे। तो अभी हम वेट करें, अभी पहले तो हम लोग अंदर जाएंगे एंड देन अक्षरा इन लोग सब पीछे से आएंगे, हम लोग अपना शॉपिंग स्टार्ट करें बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। हम लोग के साथ साथ अक्षरा और सिद्धि भी आ चुके हैं। क्या टाइमिंग पर लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। और ये है ब्राइन पुरुषा। इतने लेट कैसे आप? तुम भी ऑफिस जाना है कि नहीं? जाना है। इधर ही कर लेना वर्किंग आवर। चलो चलो। हम पहुंच गए थोड़ा थोड़ा शॉपिंग कर करके होम ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेरा डिपार्टमेंट है। और हमने थोड़ा सा ट्रॉली भरा है अपना, सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई है बिकॉज ऑफ सेल। सो हमको जितना मिला है उतना ले रही हूँ बिकॉज मुझे हॉस्टल, मैं कहीं पे तो मूव हो रही हूँ स्टडी के लिए, वो सीक्रेट है। आप गेस करो कहाँ पे जा रही हूँ मैं आपको। जब तक हमारी शॉपिंग पहुंची है थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली है जो मैं हॉस्टल में यूज़ कर सकूँ या लेके जा सकूँ या घर पे यूज़ करूँगी। पेगबोर्ड बोलते हैं इसको। इसका दिल पेगबोर्ड पे आ गया अभी, है ना? पेगबोर्ड पे नहीं है। 99 रुपीज़ 999 का। इतना इतना गाइस 39 का सिर्फ रेंज एंड दिस इज फॉर 39 रुपीज़ अगेन। अगेन गाइस, सो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लिप में देखा कि हम गए थे शॉपिंग के लिए आईकिया नवी मुंबई। तो हमने वहाँ से बहुत सारी तो नहीं बट शॉपिंग की है, जो कि मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ें लेनी थी जो मेरे काम आएगी हॉस्टल में। सो इसीलिए हम गए थे बिकॉज वहाँ पे सेल भी लगा था, तो हमने सोचा वाई नॉट गो एंड सी कि क्या क्या है। तो टैडाइंग, ये था हमारा बिल। लाइक इतना जितना दिख रहा है उतना ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं की, इट इज़ लाइक 1500 के अंदर ही किया है हमने बिकॉज मुझे ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना था। लाइक मैंने ऐसे सोच के रखा था कि मैं 15 या 2000 के अंदर ही सब कुछ करूँगी। सो यस, तो मैं अभी
विदाउट ज़्यादा बक बक हमेशा के जैसे तुरंत स्टार्ट करते हैं। एंड मैं बताती हूँ, मैंने अब तक कुछ ज़्यादा चीज़ें ओपन नहीं की एंड मैं शायद से नहीं भी करूँगी, और अगर मैंने नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे उसका फ़ोटो डाल दूँगी कि वो कैसा दिखता है, बिकॉज़ मुझे डायरेक्टली वो लेके जानी है एंड वहाँ पे ही खोलनी है बहुत सी चीज़ें, और वो पैक्ड है अच्छे से, तो आई डोंट वॉन्ट टू लाइक अनपैक इट, तो इसके लिए मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी, सॉरी फॉर दैट। जब मैं हाँ अनपैक करूँगी इन फ्यूचर और मैंने आपको लाइक ऐसे चांस मिला तो मैं आपको बता दूँगी हाँ ये वो वाली चीज़ थी एज यूजुअल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, इतना बड़ा बैग हमने लिया है IKEA से, लाइक ये पूरा शॉपिंग वाला चीज़ है, और मैं लाइन बाय लाइन जाऊँगी आपको, एंड मैं आपको उसके ओरिजिनल जो प्राइस होती है वो भी बता दूँगी, और डिस्काउंटेड प्राइस में वो हम लोगों को कितने में मिला वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे फर्स्ट छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं सारी चीज़ें निकाल लूँ अपनी, मैं अपना चश्मा नहीं डाल सकती बिकॉज इस पर ब्लू ब्लॉक है, तो ये पूरा ब्लू ब्लू दिखेगा लाइट से। ये यू कैन सी दिस ब्लू ब्लॉक, सो दैट्स व्हाई आई कांट पुट माय चश्मा अप, सॉरी ऑन माय आईज, इसलिए मैं ऐसे रखी हूँ। तो मैं पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू बिग थिंग। सो सबसे पहले समझ नहीं आ रहा मुझे किससे स्टार्ट करूँ, बट या सबसे फर्स्ट दीज, तो ये एक्चुअली सेल पे नहीं थे, कुछ चीज़ें मैंने विदाउट सेल वाली भी खरीदी है बिकॉज इट वाज रीजनेबल एंड काम आएगी। तो ये एक्चुअली त्रुषा ने ख़रीदा है घर के लिए, ये घर के लिए काम आएगा। तो दिस इज़ कलाज स्पून कटलरी सेट, जो कि प्लास्टिक के होते हैं एंड मेनली ये चिल्ड्रन सेक्शन में मिलता है, तो ये चिल्ड्रन फ्रेंडली ही है। तो ये था 99 rupees का 18 सेट, इसमें फोर्क स्पून एंड नाइफ सब कुछ है, तो या ये लिया है। देन उसके बाद दिस वॉज 99 rupees, देन वी गॉट सेम मतलब उसके मैचिंग का, दिस इज मग्स लाइक ग्लास ऑल्सो यू कैन से, दिस इज सेट ऑफ 6 फॉर 99 rupees। सो ये भी बहुत अच्छा है एंड इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है एक्चुअली, बिकॉज हम लोगों ने पहले इसका स्पून लेके आया था हमने, तो वो हमने यूज़ किया है, तो नाइस क्वालिटी। तो इसके एक्चुअली सेट्स आते हैं, दे हैव बोल्स, दे हैव प्लेट्स एंड 4 सेट ऑफ स्पून्स टू। सो या तो ये त्रुषा का ही है, त्रुषा को पसंद आया तो उसने लिया कि हाँ घर पे चाहिए, तो यस ये है, ये आपको दिख रहा होगा। कलर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक पेस्टल कलर है, तो इसमें दे यूज टू हैव सॉलिड कलर्स टू, बट अभी वो आई गेस डिसकंटिन्यू हो चुका है आई गेस हो चुका है। तो यस 99 rupees फॉर दिस। देन नेक्स्ट इज दिस टॉवल, ये बाथ टॉवल है आई गेस। तो ये मैंने बाथ टॉवल खरीदा है एक, जो कि मैं लेके जाऊँगी, तो ये सेल पे मुझे 99 rupees का मिला है एंड इसकी एक्चुअल प्राइस है 489 rupees। सो 489 का मुझे 99 rupees में मिला, तो मैंने ले लिया। मैं यहाँ पे प्राइस लाइक एक्चुअल प्राइस प्लस डिस्काउंटेड प्राइस भी डालूंगी, एंड ये तो मतलब बाथ टॉवल है तो आई डोंट थिंक सो इसकी फ़ोटो की ज़रूरत है, बट इफ़ स्टिल नीडेड तो मैं डाल दूँगी यहाँ पर। So yeah, this was for 99 and I think it is good purchase. Then next is, yes guys, so अभी मैंने सब कुछ sorted कर दिया है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा pause भी कर लिया था। So अभी मैंने सारे discounted prices यहाँ पर लिख दिया ताकि मैं phone पर बार बार search करके ना time ज़्यादा ये नहीं करूँ। तो yeah, next product की तरफ बढ़ते हुए, so next मैंने जो लिया है वो है ये muslin cloth, जो कि बहुत क्यूट है। ये सेट ऑफ 3 में आता है एंड ये मतलब मैंने सोचा कि मैं हैंकी जैसे यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज इसके जो प्रिंट्स है वो बहुत क्यूट है एंड इट इज़ 80% कॉटन एंड 20% सम पॉली क्या था भाई या 20% इज रेयन सॉरी या
80% कॉटन एंड 20% रेयन. सो फिर भी ठीक है, इसको एज अ हैंकी यूज़ कर सकते हैं, मसलिन, इवन दो इट इज़ अ मसलिन क्लॉथ. इसके प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी. एंड इसका रेगुलर प्राइस इज 99 रुपीज़. ये हम लोगों को 29 रुपीज़ में मिला, तो या 30 रुपीज़ जैसे कि. देन नेक्स्ट इज दिस मिरर, ये मैं ओपन कर सकती हूँ, सो अनबॉक्स इट, बिकॉज ये हम लोगों ने घर के लिए लिया है तुषा और मैंने. तो ये मैं आपको खोल के बताती हूँ. एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी मिरर है, छोटू सा क्यूट सा रूम में रखने के लिए. एंड इसका प्राइस है, लाइक एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस मिरर इज़ 499 रुपीज़ का मिरर था, हम लोगों को जस्ट 59 रुपीज़ में मिला है. जस्ट नहीं बोल सकता एक्चुअली, बट ये इसमें मैं भी दिख रही रहूँगी, मैंने कैसे सेटअप किया है वो भी दिख रहा होगा. सो ये इतना प्रिटी सा मिरर है, इसकी शेप भी. एंड इसमें एक्चुअली यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसमें चेन भी मिली. यस सॉरी गाइस. सो मैं बताती हूँ, तो इसके साथ में ये एक चेन भी मिलती है, तो विच यू कैन जस्ट, इसका मैं अच्छे से आपको ये बताती हूँ आपको, एक सेकेंड. टिंटरेन, तो ये कुछ ऐसा दिखता है और मैं आपको बताती हूँ इसको चेन लगाने के बाद ये कैसा लगता है. इट लुक्स वेरी प्रिटी, मतलब ये भी मेरा परचेस नहीं था, मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगा ये, बट दिस वॉज ऑल तुषा. मतलब हाँ, अभी वो देख के चिल्लाएगी कि अरे मैंने बोली थी, बट क्या यार मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया और मैंने हाँ बोल दिया कि ठीक है ले लेते हैं करके. तो यस, एंड 59 का इज़ गुड. हाँ मतलब 599 का ऐसे इसका प्राइस है. दिस इज रेडी, या सो दिस इज 499 में इज़ ओके. एंड टेंटेड इट इज़ रेडी, सो इट इज़ लाइक दिस. इसको ऐसे आप हैंग कर सकते हो. एंड इसके पीछे जो ये है ना हुक लगाने के लिए, तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस आल्सो, लाइक यहाँ पे ये चेन लगा के ऐसे भी रख सकते हो एंड इवन ऐसे भी रख सकते हो, तो इट इज़ टोटली ऑन यू. सो यस, दिस क्यूट मिरर वी बॉट, सो दिस इज़ फॉर 59 रुपीज़. एंड ये अभी मैं अच्छे से रख देती हूँ वरना मेरे को डांट पड़ेगी. ऐसे तो हमारे रूम में ऑलरेडी मिरर है हार्ट शेप्ड वाला, अगर आपने देखा होगा तो. नेक्स्ट इज ये क्यूट सा सोप होल्डर, या डिस्पेंसर यू कैन से, डिस्पेंसर होल्डर जो भी बोलते हैं, आई होप सही बोल रही हूँ, बट हाँ सोप होल्डर, सोप रखने वाला, साबुन रखने वाला. सो ये इसकी एक्चुअल प्राइस है 99 रुपीज़, ये हम लोगों को मिला 29 रुपीज़ में, विच वॉज़ लाइक वेरी रीजनेबल. एंड हम लोग इसमें सोप तो रखेंगे नहीं, बिकॉज ये सिरामिक का है तो ये ब्रेक हो सकता है. तो इसके लिए मैंने तुषा को बोला कि हम लोग इसमें हमारा रिंग्स या इयर रिंग या ब्रेसलेट रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक ज्वेलरी होल्डर जैसा. एंड ये बहुत अच्छा दिखता है, लाइक ऐसा है अंदर से एंड कलर भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए. तो ये 29 रुपीज़ में, इट वॉज़ गुड, 99 इसका ओरिजिनल प्राइस है. तो ये लिया. Next is this box. This is, sorry, बहुत जोर का हो गया. This box, ये बहुत ही cute and pretty है. ये हम लोगों ने दो लिया box actually. And इसका original price है, original price for this is 499 rupees. So ये 499 का हम लोगों को 99 rupees में मिला. So like 400 रुपये डिस्काउंट. तो इसके लिए हम लोग ने ये लिया, और ये मैंने एक मेरे हॉस्टल के लिए लिया है और एक तुषा ने खुद के लिए लिया है घर पे रखने. एंड उसने ऑलरेडी उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी है, तो मैं आपको वो बता दी एक्चुअली मेरे को सर लगता है. बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा. तो इट लुक्स लाइक दिस टेंटन. तो ये तुषा ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, आप देख सकते हो. तो उसमें उसने सारे अपने, ये भी उसने जो स्केच पेन्स उसको आइकिया से मिले हुए थे, आइकिया से मिले नहीं थे सॉरी, गिफ्ट में मिले थे, विच इज़ फ्रॉम आइकिया अगेन. सो TMI.
तो यार तो ये वो ऑर्गेनाइजर है, तो ये मैंने मेरा वाला अब तक ओपन नहीं किया है, मैंने पैक ही रखा है, तो मैं डायरेक्ट पैक ही लेके जा सकूँ। तो त्रुषा ने जो खुद के लिए लिया था उसने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना ऑर्गेनाइज करके, इट्स कलरफुल। तो यस देन ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। नेक्स्ट, अभी वैसे भी दो तीन चीज़ें ही बची हुई है, तीन चार चीज़ें। नेक्स्ट इज दिस हैंगर, ये सेट ऑफ 10 है हैंगर, इसका प्राइस है 149 एंड ये डिस्काउंट में नहीं था बट इट वाज फॉर 149 तो आई बॉट इट। लाइक 10 पीसेस है एंड मुझे काम आएंगे इसलिए मैंने ले लिया। फिर नेक्स्ट इज दिस बैग, इट इज वेस्ट बिन लॉन्ड्री बैग जैसे भी बोल सकते हो। इट इज़ अ सेट ऑफ 3 बैग विच इज़ कॉल्ड एज डिम्पा एंड इसका एक्चुअल प्राइस होता है 590 रुपीज़। आई गॉट इट फॉर 299 रुपीज़, सो या तो मतलब जो सेल लगा था उस पर 299 का मिला मुझे। ये वेस्ट सॉर्टिंग बैग है बट आई थॉट आई कैन यूज़ दिस फॉर माई लॉन्ड्री बैग एंड दूसरा और भी किसी लाइक स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकती हूँ हॉस्टल में एंड एक मैं घर पर रख दूँगी। तो ऐसे तीन है ये सेट में, तो तीन सेट 299 का इज़ गुड फॉर मी, लाइक आई थॉट इट इज़ गुड एंड इट इज़ गुड आई नो। सो या और मैं इसका फ़ोटो एक्चुअली यहाँ पे डाल दूँगी कि ये कैसा दिखता है, मतलब उसका इमेज मैं लगा लूँगी कि कैसे दिखते हैं, कौन से कलर है इसमें। वाइट ग्रे एंड ब्लैक, दीज थ्री आर द कलर्स एंड या यू कैन यूज़ इट। लाइक इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एक्चुअली, तो आप देख सकते हो। द नेक्स्ट इज दिस थ्रो, दिस सॉरी ये थ्रो मैंने लिया है। लाइक ये बहुत प्रिटी कलर है इसका, अभी लाइट की वजह से ये बहुत ज़्यादा उजाला है, बहुत ज़्यादा उजाला है इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, बट इसका कलर ऐसा कुछ है ये। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, लाइक आप देख सकते हो इफ़ वीडियो में दिख रहा होगा। तो दिस आई बॉट इट फॉर 99 रुपीस अगेन एंड इसका ओरिजिनल प्राइस इज़ 599। सो 599 का 99 रुपीस में इज़ रियली गुड एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं अगेन यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी बिकॉज ये मुझे ओपन नहीं करना है क्योंकि ये पैक्ड है, तो अच्छा लग रहा है। जब लाइक ओपन कर दूँगी तो मैं उसको फोल्ड करना पड़ेगा वापस से, तो मैं ऐसे कैसे मेरे बैग में पैक कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ओपनिंग। बट यहाँ पे फोटो आपको मिल जाएगी तो आप वो देख लेना। बट या 99 रुपीस का ये मिला। सो गाइस लास्ट नहीं बट सेकेंड लास्ट, बट लास्ट ही है ऐसे तो मेन प्रोडक्ट्स में से विच वॉज ऑन सेल, तो विच इज़ दिस ब्यूटिफुल सा रग। इसकी साइज़ है 80x120। एक्चुअली थ्रो का भी मैंने साइज़ नहीं बताया था, थ्रो का इज़ 130x170 सेंटीमीटर विच इज़ क्वाइट बिग इनफ, लाइक इससे बड़ा है। एंड दिस इसका ओरिजिनल प्राइज इज़ 899 रुपीज़ एंड वी गॉट इट फॉर 99 रुपीज़, सो विच इज़ लाइक बहुत अच्छा बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड जब हम लोग ने देखा, लाइक त्रुषा ने देखा और मैंने भी देखा, तो हम लोगों को ऐसा बिलीव भी नहीं हुआ कि लाइक ये 99 रुपीज़ का मिल रहा है बिकॉज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है एंड इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है एंड सामने से ये बहुत अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा सा पेस्टल में है तो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड ये त्रुषा ने सजेस्ट किया कि हम अपने घर में रखेंगे, लाइक ये जो सेंटर टेबल है इसके नीचे रखेंगे, तो अभी मैं ये रखूँगी बिकॉज और फिर मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज हमने सोचा था चलो रखते हैं, तो आज मैं रख के फिर आपको अभी थोड़े टाइम में रखती हूँ और फिर मैं आपको वीडियो में बताऊँगी ये कैसा लग रहा है। बट या 899 रुपीज़ का इसका ओरिजिनल प्राइस इन 99 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मतलब लेना ही था इसका, ऐसा है। आप लोग फ़ोटो में देख लेना, मैं यहाँ पे फ़ोटो डालूँगी, वो अच्छा लगेगा एंड मैं वीडियो में भी बताती हूँ। देन या ये थी फाइनल शॉपिंग। देन ये सारी शॉपिंग में से जो लास्ट चीज़ें, मतलब जो हम लोगों को ये सारी चीज़ें रखने के लिए कुछ तो चाहिए होगा बिकॉज हमने कुछ बैग वैग लेके नहीं गए थे, तो हमने ख़रीदा ये बैग। ये मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से ख़रीदना था यहाँ से, तो मैंने सोचा वाई नॉट अभी ख़रीद लेते। तो ये बैग है इतना बड़ा सा, इसका नाम है पिक्रैक एंड इसको ऐसे ये है एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ 100% कॉटन एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत स्ट्रांग है ये। एंड सोच इतनी सारी चीज़ें सोचो हमने इतने बैग में लेके आ गए, लाइक ये बहुत स्पेशियस है, मतलब पहले ऐसा लगेगा कि स्पेशियस नहीं है बट है बहुत ज़्यादा।
सो यस दैट्स इट फॉर आइकिया हॉल. तो यही चीज़ें थी जो मैंने खरीदी, जो मुझे लगी कि मुझे यूज़ होगी एंड जो हम लोगों को लगा एंड तुषार ने सजेस्ट किया कि हमको घर के लिए लेनी चाहिए. तो या एंड मैंने एक्चुअली हॉस्टल के लिए ज़्यादा चीज़ें ली नहीं, दो तीन चीज़ें ही थी जो कि मैंने ली, जैसे कि मतलब हैंगर ऑर्गेनाइजर एंड थ्रोज एंड दिस वेस्ट बैग, सॉर्टेड बिन, सॉर्टिंग बैग. देन ये इसमें से भी मैं लेके जाऊँगी एंड बाथ टॉवल. सो इतनी चीज़ें मैंने खुद के लिए ली है, बाकी घर के लिए है. बट येस ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमने इंजॉय किया. बट उसके बाद जो हम लोग निकले, इतनी ज़्यादा बारिश थी, हम कैसे तो भी पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे. हमको आगे जहाँ पे जाना था, ऑफिस जाना था मुझे, हम सारे लोगों को, तुषा घर आई थी. तो ये सारी चीज़ों का शॉपिंग करके हम लोगों को इसका जो फाइनल अमाउंट था वॉज 1407 रुपीज़, विच इज़ गुड इनफ आई थिंक. मतलब 1407 में मेरा प्रॉपर, लाइक मैंने 1500 या 2000 केस में सोच के गई थी एंड उसके अंदर ही मुझे मिल गया. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट वॉज अ गुड परचेज टू. अब ये यूज़ मैं बाद में करूँगी, जो चीज़ें अभी यूज़ कर रही हैं वो कर भी ले रहे, जैसे तुषा ने ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, स्टार्ट कर चुकी है यूज़ करना. So yes, I hope you all like this video and if you do, please do like, share and subscribe to my channel. And जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं स्टडी अपना कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो मैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी लाइक इन IKEA, सो आई एम गोना लीव दैट. तो मैं अभी अपने नोटिस पीरियड में ही हूँ जब तक, आई गेस ये व्लॉग आएगा, नहीं ये मैं उसके पहले ही डाल दूँगी. सो 30th June इज़ माई लास्ट डे टू वर्क एंड I'm really gonna miss all the people I have met in IKEA and I'm really grateful to them because मुझे बहुत अच्छी memories मिली एंड मेरा बहुत अच्छा time था. लाइक 3 साल हो गए मुझे IKEA में काम करते हुए एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ ऑल द थिंग्स आई हैव. लाइक यू नो वहाँ के लोग, काम, कल्चर, एवरी थिंग, द एनवायरमेंट. तो येस आई लाइक इट. ऐसा कुछ प्रमोशनल वीडियो नहीं है बट ये मेरे मन का चीज़ है. शॉपिंग तो मुझे ऑब्वियसली आई लाइक IKEA बिकॉज बहुत एस्थेटिक चीज़ें मिलती है, बट मुझे मेरे थोड़े से सोच के लेना पड़ता है बिकॉज मेरे बजट में भी होनी चाहिए चीज़ें इसीलिए. बट येस आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो बिकॉज आगे बहुत से व्लॉग आएंगे बिकॉज मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कहाँ मैं स्टडी के लिए जाने वाली हूँ. और ये अब्रॉड है, लाइक मैं अब्रॉड जा रही हूँ स्टडी के लिए. तो आप लोग गेस, सॉरी. तो यस मैं बोल रही थी कि मैं अब्रॉड जाने वाली हूँ स्टडी के लिए, तो आप लोग गेस करो कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ. तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और आगे आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली है एंड आई विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस आई विल मेक श्योर कि मैं अभी कंटिन्यू रहूँगी व्लॉगिंग में. सो यस प्लीज़ डू सपोर्ट, बाय, सी यू इन अनदर व्लॉग, सी यू इन अनदर व्लॉग गाइस, बाय. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. This is a bath towel which I got for 99 rupees. But I don't know iska original price pe likha hi nahi. I thought is pe likha hoga but sorry, I'm so dumbo. Abhi mujhe pehle price nikalne padenge ki kaun se kitne ke the. To wait a minute. Okay guys, thoda sa idhar udhar ho gaya tha mera video. बिकॉज मुझे पता नहीं था पहले कि इस पर प्राइस नहीं लिखी है और फ़ोन से बार बार सर्च करके आपको बताना डिफ़िकल्ट हो रहा था. वैसे तो मैं एनी वेज डालने वाली हूँ बट स्टिल, तो मैंने यहाँ पे सबके प्राइजेस लिख दिए डिस्काउंटेड प्राइस पे ताकि मैं इजीली आपको बता सकूँ. मतलब 800 रुपीज़ डिस्काउंट. तो यस एंड इसका साइज, सॉरी बारिश कैसे होती है बच्चे यार. Sorry.